संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज ही हमने कितनी अच्छी आलू और पालक की सब्जी बनाकर तैयार की है। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी ताजी ताजी पालक आ रही है। आप इस तरीके से आलू और पालक की सब्जी बनाकर तैयार करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। चलिए अब हम इसको बनाना बताते हैं। हमने थोड़ी सी पालक ली थी, पालक को हमने दो तीन बार अच्छे से साफ पानी से धो लिया था। इस पालक को हमें बहुत ही अच्छे से दो तीन बार साफ पानी से धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, इसलिए हमें इसको अच्छे से धोना है। धो के फिर हमने थोड़ी देर के लिए जाली वाले बर्तन में रख दिया था, जिससे उसका सारा पानी निकल गया था। फिर हमने ऐसे बारीक कट कर लिया था और हमने चार आलू लिए है। आलू को भी हमने अच्छे से धो लिया है। अब आलू को हम अच्छे से छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हमने आलू को अच्छे से छील लिया है, अब हम इसको कट करेंगे। देखो, हमें इस तरीके से आलू को ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े करने हैं, ना ही हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। मीडियम साइज के इस आलू के टुकड़े कर लेंगे हम। आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इस आलू को हम पानी में डाल के रख देंगे, जिससे हमारे आलू काले ना पड़े। गैस को जला लिया है, गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने दो चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस को हम धीमा कर देंगे और दो मीडियम साइज के प्याज को हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको भी डाल देंगे। और गैस को अब हम तेज कर देंगे, क्योंकि हमारी प्याज पानी छोड़ती है। और हमने 10-12 लहसुन की कलियां ली थी, कलियों को भी हमने छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसी तरीके से ही हमें लहसुन डालना है, हमारी सब्जी में अच्छे से टेस्ट आएगा। हम यहाँ पर इस सब्जी को सरसों के तेल में बना रहे हैं। यदि आपके सरसों का तेल पसंद ना हो तो आप और किसी तेल में भी बना सकते हो। और दो हमने हरी मिर्च ली थी, हरी मिर्च को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम गैस को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, क्योंकि हमारी जो प्याज लहसुन थे वो थोड़े सुनहरे हो चुके हैं। और इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, हींग को हमें बाद में ही डालना है, तभी हमारी सूखी सब्जी में अच्छे से टेस्ट आता है। और जो हमने आलू को पानी में डाल के रखा था, उसका हम सारा पानी निकाल के आलू को भी इसी में डाल देंगे। देखो, हमने सारे आलूओं को इसमें डाल दिया है। गैस को मीडियम कर देंगे, मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए आलू को भी अच्छे से पका लेंगे। हमने 2 मिनट आलूओं को पकाया है। हमारे आलू थोड़े थोड़े पक चुके हैं और हमने 1 मीडियम साइज के टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। टमाटर को भी हम इसी में डाल देंगे और हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से जो हमारे टमाटर हैं और आलू है वो जल्दी से पक कर तैयार हो जाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। मीडियम गैस पर आलू और टमाटर को भी हम अच्छे से पकने देंगे और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने से हमारी सब्जी में अच्छे से कलर आ जाता है। यदि आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर को भी डाल सकते हो। मीडियम गैस पर हम 2 मिनट तक इन आलूओं को और पकने देंगे। और जो हमने पालक को कट करके रखा था, पालक को हम इन आलूओं के ऊपर ऐसे डाल देंगे। देखो, हमने सारी पालक को आलू के ऊपर ऐसे डाल दिया है। जो थोड़ी बहुत हमारे आलू कच्चे रह गए हैं वो हमारी सारी पक जाएंगे, क्योंकि हमारी पालक पानी छोड़ती है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और गैस को धीमा कर देंगे। धीमी गैस पर ही हम इनको पकने देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल कर एक बार चेक कर लेंगे। देखो, हमारी पालक ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अब चम्मच से हम थोड़ी चला देंगे और पालक को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखो, हमारी कितनी अच्छी कम मसाले में आज ये पालक और आलू की सब्जी बनकर तैयार होने जा रही है। देखो, हमने सारे आलूओं को पालक को अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम दोबारा से भी ढक्कन को लगा देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम और ढक्कन को खोल के आलूओं को चेक कर लेंगे। देखो, आलू हमारे सारे पक चुके हैं और जो हमने पालक डाली थी, पालक भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। हमने इसमें गरम मसाला भी नहीं डाला है। यदि आप गरम मसाला डालना चाहते हो तो आप इसमें गरम मसाले को भी डाल सकते हो। देखो, हमारी सब्जी से खुशबू भी अच्छी आने लगी है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन और प्याज को कट करके डाला था। हमारी सब्जी
अच्छे से पक चुकी है, हम गैस को बंद कर देंगे, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। आज ही हमारे कम तेल मसाले में कितनी अच्छी आलू और पालक की सब्जी बनकर तैयार हुई है। इस सब्जी को आप पूड़ी, पराठे, नान, रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं। सारी चीजों में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस सब्जी को हम प्लेट में सर्व करेंगे। देखो ये हमारी कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है, इसको हमने प्लेट में अच्छे से सर्व कर लिया है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।